जीवा के खंड। पी क्यू एक वृत्त की जीवा है और आर वृत्त के अंदर पी क्यू पर स्थित एक बिंदु है। तब यह कहा जाता है कि बिंदु आर जीवा पी क्यू को दो खंडों पी आर और आर क्यू में अंतः विभाजित करता है। इसी प्रकार यदि एस वृत्त के बाहर रेखा पी क्यू पर स्थित एक बिंदु हो, तब यह कहा जाता है कि बिंदु एस जीवा पी क्यू को दो खंडों एस पी और एस क्यू में बाह्य विभाजित करता है। स्पर्श रेखा और छेदक रेखा के बीच संबंध। हमने वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच संबंध देखा है। क्या वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई छेदक रेखा तथा स्पर्श रेखा में कोई संबंध है? प्रमेय 13। कथन। यदि PAB वृत्त की छेदक रेखा हो जो वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करती है और PT एक स्पर्श रेखा खंड हो तो PA गुणित PB बराबर PT का वर्ग दिया है। वृत्त की छेदक रेखा PAB जो वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करती है और PT पर स्पर्श रेखाखंड है, सिद्ध करना है PA गुणा PB बराबर PT की घात 2। रचना। AB पर लंब OL खींचिए OP OT और OA को मिलाइए। उपपत्ति में हम जिसे हमें सिद्ध करना है PA गुणा PB बराबर PT की घात 2। इसमें हम इसका बायां पक्ष लेंगे। सबसे पहले बायां पक्ष लेने पर हमें प्राप्त होगा PA गुणा PB। चित्र पर देखते हैं हम PA को हम लिख सकते हैं PL कोष्टक में PL ऋण AL। PL में से कहीं हम AL को घटाएंगे तो हमें PA प्राप्त होगा। उसी तरह से गुणा PB, PB रेखाखंड को हम तोड़ के लिख सकते हैं PL धन LB बराबर कोष्टक में पहले कोष्टक में PL ऋण AL, इसे समान लिखिए। दूसरे कोष्टक में हम कोष्टक में PL धन LB के स्थान पे हम AL लिख सकते हैं क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसीलिए
OL जो है केंद्र, O जो है केंद्र है वृत्त का, और OL जो है जीवा AB पर लंब डाला गया है, इसीलिए AL की लंबाई BL की लंबाई से बराबर होगा। तो LB के स्थान पे हम यहाँ पे AL ले लेंगे, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, इसीलिए हमने LB के स्थान पे AL लिखा। अब कहीं हम यहाँ पे कोष्टक में देखते हैं PL ऋण AL, दूसरे कोष्टक में PL धन AL, यहाँ पे हम सरसमीका का सूत्र लगाएंगे A ऋण B और A धन B, क्योंकि हम जानते हैं कि A ऋण B और A धन B बराबर A का वर्ग ऋण B का वर्ग होता है, इसीलिए हम इसे सरसमीका का प्रयोग करके PL की घात 2 ऋण AL की घात 2 लिख सकते हैं। अब कहीं बराबर PL की घात 2 ऋण AL के स्थान पर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे त्रिभुज OLA में, यहाँ पे त्रिभुज OLA जो है एक समकोण त्रिभुज है जहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, और यहाँ AL जो है वह समकोण त्रिभुज का आधार है, तो आधार के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, विकर्ण का वर्ग, विकर्ण है हमारे पास त्रिभुज में OA, तो विकर्ण का वर्ग ऋण लंब का वर्ग, और हमने यहाँ पे कौन सा प्रमेय प्रयोग किया है, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर हमने AL के AL का वर्ग के स्थान पे OA का वर्ग ऋण OL का वर्ग लिखा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आगे देखते हैं अगले प्रश्न में, पिछले प्रश्न में हमने प्राप्त किया था पाइथागोरस प्रमेय से पी एल की घात 2 ऋण कोष्टक में ओ ए की घात 2 ऋण ओ एल की घात 2 कोष्टक बंद, ये हमने पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से प्राप्त किया था, बराबर पी एल की घात 2 ऋण कोष्टक को जब हम यहाँ पे खोलेंगे तो खोलने के पश्चात ऋण को जब हम गुणा करेंगे ओ ए के वर्ग से तो हमें प्राप्त होगा ऋण ओ ए की घात 2, और ऋण को जब हम ऋण ओ एल के की घात 2 से गुणा करेंगे तो ये धन ओ एल की घात 2 होगा, बराबर यहाँ पे हम पी एल की घात 2 और धन ओ एल की घात 2 को एक साथ लेंगे और अंत में ऋण ओ की घात ओ ए की घात 2 को लिखेंगे। यहाँ हमने त्रिभुज ओ पी एल में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया है, पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय का प्रयोग करके हम पी एल के की घात 2 हम पी एल की घात 2 धन ओ एल की घात 2 के स्थान पे ओ पी का घात 2 रखेंगे,
देखिए कहीं हम यहाँ पे चित्र के चित्र में हम देखते हैं पी एल की घात दो जो ये समकोण त्रिभुज का आधार है और ओ एल की घात दो जो है वह लंब का आधार है। इसके स्थान पर हम कर्ण का आधार रखेंगे तो कर्ण का आधार जो है हमारा ओ पी का वर्ग है ऋण ओ ए की घात दो बराबर ओ पी की घात दो। यहाँ पे हम देखते हैं कि ओ ए जो है वृत्त की त्रिज्या है और साथ ही साथ ओ टी भी वृत्त की एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो हम ओ ए के स्थान पर दूसरी त्रिज्या वृत्त की उसी वृत्त की त्रिज्या ओ टी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसके स्थान पे ओ टी रखे ओ टी की घात दो क्योंकि हम जानते हैं कि ओ ए बराबर ओ टी एक ही वृत्त की दो त्रिज्या है बराबर। अब हमारे पास है ओ पी की घात दो ऋण ओ टी की घात दो। पुनः हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे यहाँ पे और आप देखते हैं कि ओ पी की घात जो दो है वो हमारा कर्ण है और ओ टी जो है हमारा लंब है। जब हम कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को घटाएंगे तो हमें आधार का वर्ग प्राप्त होगा तो ओ पी की घात दो ऋण ओ टी की घात दो के स्थान पे हम पी टी की घात दो लिखे हैं और हमने इसका ये जो है पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगाया है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से हमें प्राप्त हुआ है पी टी की घात दो। इसीलिए हमने जो शुरुआत में जो है चालू किया था प्रमेय के लिए पी ए गुणा पी बी जो हमारा सिद्ध करने का बायां पक्ष था और अंत में हमें प्राप्त हुआ है पी टी की घात दो। इसीलिए हमें जो सिद्ध करना था पी ए गुणा पी बी बराबर पी टी की घात दो। यह इस तरह से इस प्रमेय को हमने सिद्ध किया कि पी ए गुणा पी बी बराबर पी टी की घात दो। यह इस प्रमेय का उपपत्ति है। करके देखें, यदि किसी वृत्त की जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के अंतर्गत या बहिर्गत प्रतिच्छेद करती हैं, तो किसी एक जीवा के खंडों से बनने वाले आयत का क्षेत्रफल दूसरी जीवा के खंडों से बनने वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है, अर्थात पी ए गुणित पी बी बराबर पी सी गुणित पी डी।